100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170। वहीं अप्रैल में सरकार ने गरीब राशन कार्ड धारकों को 1 किलो दाल और अनाज फ्री देने की बात कही थी, लेकिन बदायूं जिले की तहसील बिलसी में राशन लेने वाले गरीबों को निराशा हाथ लगी जब उन्हें पता चला कि उन्हें सिर्फ चावल ही मिल पाएगा। इस बारे में जब गोदाम में जाकर जायजा लिया गया तो आपूर्ति निरीक्षक प्रदीप यादव का कहना था कि अप्रैल में एक बार राशन बट चुका है, दाल का भी आवंटन नहीं आया है, जैसे ही आता है कोटेदारों को अवगत करा दिया जाएगा। राशन उठ रहा है तो आज एक चीज और देखने को मिल रही है, इंस्पेक्टर साहब स्वयं जो वितरण करा रहे हैं, तो आपके द्वारा सूचना दी गई थी या किस तरीके से करा रहे हैं? जी, हमारे लिए सूचना दी गई थी सप्लाई ऑफिस से, हमारे इंस्पेक्टर साहब ने दी थी कि निःशुल्क प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत निःशुल्क चावल आया। जी बताया, न्यूज़पेपर में मेरे थे वो दाल भी आई थी, लेकिन दाल अभी तक शासन से आवंटन नहीं उपलब्ध हुआ है हमारे गोदाम पर, मतलब जिले में भी अभी नहीं आया है, ये केवल चावल आए। लेकिन इसमें एक समस्या वो भी आ रही है कि पहले अंत्योदय को 35 किलो आता था, लेकिन अब वो यूनिट के हिसाब से अंत्योदय वालों को मतलब बटेगा, तो कुछ लोगों को समझाने में दिक्कत भी आएगी, ये हम लोगों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कुछ बोलेंगे फिर 35 किलो है, लेकिन वो यूनिट के हिसाब से निःशुल्क बटेगा PHH और अंत्योदय कार्ड धारक। इस समय इंस्पेक्टर साहब है, प्रदीप जी हैं, हम इनसे पूछते हैं इस समय वितरण कैसे होगा, क्या है? सर, इस समय सर जो है किस माह में सरकार ने आदेश दिया कि फ्री वितरण होगा, सर कैसे वितरण होगा ये थोड़ा जनता के लिए बताइए। सर, फ्री वाला जो वितरण है ये 2 चरणों में होगा। पहला तो ये अप्रैल का जो मतलब होता था 5 तारीख के बाद वाला, वो 1 तारीख से स्टार्ट होगा। उसमें 4 कैटेगरी है, अंत्योदय सबके लिए फ्री 35 रुपये, और PHH में यूनिट के हिसाब से जो मनरेगा कार्ड धारक है, ग्रामीण क्षेत्र में चूंकि अधिकांश मनरेगा जॉब कार्ड धारक हैं तो मनरेगा वालों को फ्री है, और जो श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक थे उनके लिए फ्री है, और जो नगर पालिका में पंजीकृत श्रमिक हैं उनके लिए फ्री है। उसका दूसरा अलॉटमेंट अभी आया है चावल का, ये चावल का उठान हो रहा है इस समय, 15 तारीख से ये जो है यूनिट के हिसाब से बढ़ेगा। अंत्योदय में भी यूनिट के हिसाब से बढ़ेगा 5 रुपये प्रति यूनिट निःशुल्क, उसी तरीके से PHH में भी यूनिट के हिसाब से बढ़ेगा। अच्छा सर, किसी का अंत्योदय के जैसे पहले 35 रुपये मिलता था, अब उसमें 2 यूनिट है सर, उसे क्या कितना मिलेगा? ये इस बार से सरकार ने व्यवस्था को थोड़ा बदला है, पहले 35 किलो मिलता था, और इस माह अप्रैल वाले जो वितरण हो रहा है उसमें भी 35 किलो वितरण हो रहा है।